Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the GST, the subject of indirect tax for semester 6, and we are going to discuss about the expected type of question in the paper. तो जीएसटी की अगर हम बात करें तो अगर हम पेपर की बात करें सेमेस्टर 6 की, तो लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था उसमें आपको क्वेश्चंस 10-10 मार्क्स के पूछे गए थे, एंड दिस टाइम से एक क्वेश्चन जो है वो कम कर दिया है, एंड सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके जो अकाउंट्स के हैं विद योर अप्लाइड कंपोनेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डायरेक्ट टैक्सेस, तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन अभी आपको पेपर में पूछा जाएगा, एंड दिस 20 मार्क्स क्वेश्चन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इंटू 10-10 मार्क्स टू क्वेश्चन ऑल्सो, बट ये जो लेवल है कलेक्शन एंड लेवी ऑफ जीएसटी, तो इसके ऊपर आपको 20 मार्क का क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है. तो ये 20 मार्क का क्वेश्चन कैसे होगा, ये 20 मार्क के क्वेश्चंस में क्या पॉइंट आएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं लास्ट में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बताने वाला हूँ, जो आपको ध्यान रखनी है इन केस ऑफ योर इनडायरेक्ट टैक्सेस पेपर फॉर सेमेस्टर 6. और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, बिकॉज इससे आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. द लेवल एक्सपेक्टेड विल बी मिक्सचर लेवल, बिकॉज वी हैव एन नंबर ऑफ पॉइंट्स इन दिस कलेक्शन एंड लेवी ऑफ जीएसटी. सो देर आर सर्टन पॉइंट्स सच एज रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, वी हैव फाइनेंशियल सर्विस, वी हैव द गवर्नमेंट सर्विस, वी हैव कमर्शियल कोचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्विस, बहुत सारे टाइप के सर्विसेस है. तो उस सारे सर्विसेज में से आपको दो दो तीन तीन पॉइंट दिए जाएंगे, और उसमें से आपको ये ढूंढना है कि विच पॉइंट्स आर टैक्सेबल एंड विच पॉइंट्स आर नॉट टैक्सेबल, एंड अकॉर्डिंगली वी नीड टू कैलकुलेट द जीएसटी ऑन दैट. तो ये जो क्वेश्चन है उसको मैंने अभी हम तीन पॉइंट्स को मिक्स करके हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो दैट आपको आइडिया आ जाएगा कि किस बेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लाया है, वो एग्जाम्पल में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को मिक्स करके डाला है. इस पूरे क्वेश्चन में मैंने तीन सर्विसेज को मिक्स किया है, एंड नंबर वन इज द इमूवेबल प्रॉपर्टी, नंबर सेकंड इज द फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड नंबर थर्ड थ्रू कुछ पॉइंट कमर्शियल ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी पॉइंट यहाँ पे मैंने डाले हैं. तो आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और ऐसे पॉइंट्स दिए जाएंगे, एंड You have to only decide whether the points are taxable or whether the points are not taxable. We will only identify ki whether it is taxable or whether it is not taxable. बस आपको इतना ही पेपर में सॉल्व करना है कि अगर कोई पॉइंट टैक्सेबल है तो उसको टैक्सेबल के कॉलम में लिखना है, अगर कोई पॉइंट नॉन टैक्सेबल है तो उसको नॉन टैक्सेबल के कॉलम में प्रेजेंट करना है. फॉर्मेट के भी बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट इज बिल्डिंग लेट आउट फॉर कॉर्पोरेट पर्पज. तो आपको इसके लिए एक बेस बताता हूँ, अगर हम कुछ भी कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए लेट आउट करेंगे तो वो टैक्सेबल होगा, और वही अगर हम सेल्फ रेसिडेंस के लिए लेट आउट करेंगे तो वो नॉन टैक्सेबल होगा. तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है बिल्डिंग लेट आउट फॉर कॉर्पोरेट पर्पस, दैट विल बी टैक्सेबल. तो ये आपको टैक्सेबल के कॉलम में लिखना है. फॉर्मेट में आगे डिस्कस करवा रहा हूं, तो आप सिर्फ फिलहाल याद रखें, और लास्ट में मैंने आंसर्स भी दिए कौन से पॉइंट टैक्सेबल है और कौन से पॉइंट नॉन टैक्सेबल होंगे. नेक्स्ट इज वेकेंट लैंड यूज फॉर एनिमल हस्बेंड्री. तो तीन चीज याद रखनी है. नंबर वन, इफ यू आर यूजिंग योर वेकेंट लैंड फॉर एनिमल हस्बेंड्री, फ्लोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर. तो फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के लिए अगर आप अपनी वेकेंट लैंड को यूज करोगे तो वो नॉन टैक्सेबल होंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज बिल्डिंग लेट आउट टू आरबीआई. तो अगर आपने बिल्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया तो वो भी पॉइंट टैक्सेबल है. इट इज नॉट सो कि आप अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ लेट आउट करोगे तो वो नॉन टैक्सेबल होगा, वो भी टैक्सेबल होगा बिकॉज कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पे इन्वॉल्व होगी. नेक्स्ट पॉइंट जो वो काफी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट अर्नड ऑन लोन. तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंटरेस्ट अर्नड ऑन लोन है ये फाइनेंशियल सर्विस का पॉइंट है, ये एग्जेम्प्ट होगा बिकॉज जीएसटी एक्ट जो 2017 में आया था उसके नोटिफिकेशन 12 नंबर में ये पॉइंट मेंशन किया गया है कि इंटरेस्ट अर्नड ऑन लोन इज नॉन टैक्सेबल. तो आप इस पॉइंट को अपने पास कहीं नोट डाउन करके रखना, बिकॉज फाइनेंशियल सर्विस में से ये पॉइंट पेपर में पूछा जा सकता है. नेक्स्ट इज लोन प्रोसेसिंग फीस. तो व्हेनेवर वी टेक लोन उसकी कुछ प्रोसेसिंग फीस होती है, उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट होगा, तो दैट इज बीन
टैक्सेबल। द नेक्स्ट इज सेल एंड परचेज ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। देखो बहुत सारे टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शंस, तो ये सारे के सारे जो है, ये सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर कोई भी कैलकुलेशन कंसिडर नहीं होगा, मतलब हमारे लिए वो पॉइंट नॉन टैक्सेबल होगा। तो सेल एंड परचेज ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन टैक्सेबल, तो ये आपको नॉन टैक्सेबल के कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट इज डेबिट कार्ड रिलेटेड चार्जेस। तो इफ यू हैव डेबिट कार्ड रिलेटेड चार्जेस, इफ यू हैव क्रेडिट कार्ड रिलेटेड चार्जेस, बोथ द पॉइंट्स आर टैक्सेबल। देन नेक्स्ट इज रिसिप्ट फ्रॉम कोचिंग क्लासेस। तो देखो कोचिंग क्लासेस इज अ कमर्शियल एक्टिविटी, तो कोचिंग क्लासेस रहा तो दैट इज बीन टैक्सेबल। तो कोचिंग क्लासेस के जगह पे अगर स्कूल लेवल पे एजुकेशन दिया है, तो स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, ऐसे कुछ पॉइंट्स आया है, वेकेंट लैंड यूज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, तो दैट इज बीन नॉन टैक्सेबल। तो अगर आपने लैंड एजुकेशन पर्पसेस के लिए दिया होगा तो नॉन टैक्सेबल हो जाएगा, अगर कमर्शियल एक्टिविटी कोचिंग क्लासेस के लिए दिया होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। 9 नंबर का पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके लास्ट ईयर के पेपर में भी पूछा गया था, एंड दैट इज होटल रूम टैरिफ। जो होटल रूम के टैरिफ है उसको आपको याद रखना है, एक रूल बताता हूँ आपके पास, नोट डाउन करके रखना। एंड द रूल इज, अगर आपके होटल रूम के टैरिफ 1000 से ऊपर होंगे तो दैट विल बी 1000 से ऊपर होंगे तो दैट विल बी टैक्सेबल, और 1000 से नीचे होंगे तो दैट विल बी एग्जेम्प्ट। तो इफ योर होटल टैरिफ आर लेस देन 1000 इट विल बी नॉन टैक्सेबल। फिलहाल यहाँ पे मैंने 800 पर डे दिया है और अमाउंट भी आपको दिया है 2 लाख रुपीज, तो दिस विल बी नॉन टैक्सेबल बिकॉज इट इज लेस देन 1000। तो 1000 की लिमिट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज लैंड यूज फॉर एग्जीबिशन, तो एग्जीबिशन के लिए लैंड यूज किया वो भी आपका पॉइंट टैक्सेबल बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज बिल्डिंग लेट आउट टू स्कूल, तो स्कूल को अगर हमने बिल्डिंग लेट आउट किया है तो वो पॉइंट भी हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बिकॉज अभी मैंने बताया कि स्कूल को अगर हम एजुकेशनल पर्पसेस के लिए देंगे तो दैट विल बी नॉन टैक्सेबल, और वही अगर कमर्शियल कोचिंग क्लासेस को दोगे तो दैट विल बी टैक्सेबल। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन क्रेडिट कार्ड, तो दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल। देखो ऐसा कुछ फॉर्मेट आपको बनाना है, अभी जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वन बाय वन आपको पॉइंट पर्टिकुलर्स में लिखने हैं, और जो अमाउंट वहां पे दी है वो अमाउंट को अगर वो टैक्सेबल होगा तो ये टैक्सेबल के कॉलम पे अमाउंट लिखनी है, अगर नॉन टैक्सेबल होगा तो नॉन टैक्सेबल के कॉलम में अमाउंट लिखनी है। देन आपको सभी टैक्सेबल के पॉइंट्स को ऐड करना है और उसको नाम हम देंगे टोटल टैक्सेबल सर्विस, और अगर आपको पेपर में जीएसटी का परसेंटेज दिया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है 18%, तो आपको 9% CGST कैलकुलेट करना है, 9% SGST कैलकुलेट करना है। दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन विच कैन बी एक्सपेक्टेड। फिलहाल अभी हमने इसमें फाइनेंशियल सर्विस कवर किया है, कमर्शियल ट्रेनिंग के थोड़े पॉइंट्स लिए हैं, और रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी लिए, और भी बहुत सारे हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन ये सारे पॉइंट्स का जो PDF है वो टेलीग्राम में मैंने एक चैनल बना के रखा है, दैट इज लास्ट मिनट रिवीजन विद RSM। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करना है, और ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप चाहे वो ग्रुप में ज्वाइंट हो जाओगे। उसका बेनिफिट ये होगा कि आपको वहां पे फ्री PDFs मिलेंगे, कुछ लास्ट मिनट ऑडियोज भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आपके लास्ट मिनट में जो सिली मिस्टेक्स होते हैं पेपर में वो सारे के सारे अवॉइड हो जाए, और आपको मेरे तरफ से काफ़ी हेल्प हो, और जिससे आपका पेपर काफ़ी अच्छे लेवल पे आप अटेम्प्ट कर पाओ। तो ये था पहला आज सेमिस्टर 6 का GST के ऊपर का वीडियो, बिकॉज मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे थे कि GST के ऊपर वीडियो चाहिए, तो आई हैव प्रिपेयर्ड GST रिलेटेड वीडियो, एंड वी विल बी ऑल्सो हैविंग कि विच काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी एक्सपेक्टेड, व्हाट विल बी द पेपर पैटर्न, और व्हाट विल बी द क्वेश्चंस आस्क बाय द एग्जामिनर लास्ट ईयर, एंड व्हाट विल बी द टाइप ऑफ क्वेश्चन द एग्जामिनर विल फोकस दिस टाइम, सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करें, बिकॉज उसका आपको बेनिफिट मिल पाएगा। तो यहाँ पे मैंने आंसर्स भी आपको देख रखा है, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 ये आपके टैक्सेबल थे जो आपके पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, और 2, 4, 6, 9, 11 आपके नॉन टैक्सेबल के पॉइंट्स थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। As always, work harder, be smart.